हेलो एवरीवन, देव शमशाद हेयर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज शिफ्ट रजिस्टर। ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था काफ़ी सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट को, जिसमें हाफ एडर पढ़ा, हाफ सबट्रैक्टर पढ़ा, फुल एडर पढ़ा, फुल सबट्रैक्टर पढ़ा, फिर उसके बाद पैरेलल एडर के बारे में पढ़ा, फिर मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर। ओके, ये सारा टॉपिक जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज़ में हम लोगों को एक और टॉपिक का सवाल पूछा जाता है, जो है शिफ्ट रजिस्टर। तो आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, शिफ्ट रजिस्टर होता क्या है और इसका क्या काम होता है। और इस लेक्चर को मेनली मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट लेक्चर में मैं इसका बेसिक और एक शिफ्ट रजिस्टर का चार पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। ओके, जिसमें से एक पार्ट को मैं पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में और बाकी का तीन पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। ओके, तो शिफ्ट रजिस्टर के बारे में बात करें तो शिफ्ट रजिस्टर क्या है, सिंपली सबसे पहले जान लें कि आपके पास अगर एक मान लीजिए मेमोरी डिवाइस है, जैसे आपका हार्ड डिस्क, ओके, या फिर आपके मोबाइल में लगा हुआ आपका मेमोरी कार्ड, तो उसमें आप लोग जो डेटा स्टोर करते हैं, हम उन लोग जब मिलकर डेटा स्टोर करते हैं, एक्चुअली में वो डेटा स्टोर जो होता है वो कैसे स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, आखिर उसको स्टोर करने के लिए कोई जगह तो होगा ना, यानी कोई ना कोई स्पेस होगा उस तरह का जिसमें जाके वो डेटा स्टोर होता है। तो हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन बोलते हैं तो वो क्या होता है, पहले कन्वर्ट होता है किसमें, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में उसको प्रोग्रामिंग करते हैं, और प्रोग्रामिंग करने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ये तो मैंने शुरू में ही बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज किसमें कन्वर्ट होता है, लो लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन है, लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है, जिसको मशीन समझता है। मशीन लैंग्वेज किस में होता है भाई, तो मशीन लैंग्वेज होता है आपको बाइनरी में, ठीक है, बाइनरी बिट के फॉर्म में होता है, जबकि ये लिखाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी बिट का मतलब क्या हो गया, 1001, यानी कोई चीज़ भी हम बोल रहे हैं इस तरह से तो 10010 इस तरह के फॉर्मेट में ही कंप्यूटर को भेजा जा रहा है। और यही फॉर्मेट कहाँ जाके स्टोर होता है, यही फॉर्मेट जाके स्टोर होता है आपके हार्ड डिस्क में, आपके जो मेमोरी का जो भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास कार्ड रीडर है, यानी जो आप मोबाइल में लगाए हुए हैं मेमोरी कार्ड, या फिर आपका जो हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में लगा हुआ है, इसके अलावा आपका जितना तरह का भी स्टोरिंग डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, सब में ये मेमोरी सेल जो होता है, जो डेटा को स्टोर करता है, वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, 1001 इस फॉर्म में। यानी एक बिट को स्टोर करने के लिए इसके पास एक यूनिट होता है जिसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। ओके, फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक डिजिटल सर्किट का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे स्मॉल यूनिट है। यानी अगर हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो सिंपली एक एलिमेंट है जो एक बिट डेटा को स्टोर करता है, जो क्या करता है, एक बिट डेटा को स्टोर करता है। तो एक बिट डेटा या तो वन हो सकता है या जीरो हो सकता है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से लेक्चर बनाया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो मैंने बताया आपको उस लेक्चर सीरीज़ में, फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड, फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, फ्लिप फ्लॉप का कितने टाइप्स होते हैं, हर एक फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं उस वीडियो लेक्चर को यहाँ भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उसको बेसिक को अगर नहीं जानते हैं तो आप उससे जाके बेसिक देख लें और उसके बाद इस लेक्चर को ज्वाइन करें, ताकि आपको समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि फ्लिप फ्लॉप कैसा होता है दिखने में, सिंपली एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, किसी एक बिट यानी बाइनरी बिट में से कोई एक बिट डेटा को स्टोर कर सकता है, या तो वन को या जीरो को, यानी एक फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट डेटा को स्टोर करेगा। तो मान लीजिए सपोज एक मैं डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डी फ्लिप फ्लॉप ये है, इसमें दो आउटपुट है, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से क्यू निकलता है और यहाँ से क्यू कॉम्प्लीमेंट निकलता है आउटपुट। ओके, ये इनपुट टर्मिनल होता है, और इसमें एक और टर्मिनल लगा रहता है जिसको कहते हैं हम लोग क्लॉक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्लॉक कहते हैं। तो ये क्लॉक के द्वारा ट्रिगर होता है, यानी कि क्लॉक की पल्स जब हाई होता है, क्लॉक पल्स कैसा होगा, हाई लो ऐसा होगा, ठीक है, हाई लो इस फॉर्म में चलता है। तो अगर क्लॉक पल्स हाई जब आता है, ये जब क्लॉक पल्स हाई जब यहाँ पे दिया जाता है, तो जो भी डेटा इसके इनपुट पर होता है वो किस में चला जाता है, इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर जाके क्यू पे जाके स्टोर हो जाता है। जैसे हमको मान लीजिए इसके अंदर वन स्टोर करना है, इस डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या स्टोर करना है, वन बाइनरी नंबर वन को स्टोर करना है। तो ये वन कैसे स्टोर होगा, हम इसके इनपुट टर्मिनल पर वन को रखते हैं और उसके बाद क्लॉक पल्स को एक क्लॉक पल्स देते हैं, एक क्लॉक पल्स कहाँ से कहाँ तक है, एक हाई और एक लो मिलकर एक क्लॉक पल्स बनाएगा। तो ये जैसे ही क्लॉक पल्स यहाँ पे आएगा इस टर्मिनल पे, जैसे ही क्लॉक पल्स आके अप्लाई होगा, हाई वाला पहला वाला क्लॉक पल्स कौन हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका क्लॉक इंटर कर रहा था, पहला वाला ये हो गया क्लॉक पल्स, दूसरा वाला क्लॉक पल्स ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया। तो ये जैसे ही क्लॉक पल्स इसके अंदर जाएगा, यानी इस टर्मिनल में इन करेगा, तो वैसे ही ये वाला वन जो है वो कहाँ चला जाएगा, इस क्यू के आउटपुट पर, यानी इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, इस डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसका स्टोरिंग आउटपुट कहाँ है, क्यू पर, तो यानी क्यू पर जाके ये स्टोर हो जाएगा वन। ओके, अगर मान लीजिए जीरो स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जीरो दे देंगे और फिर क्लॉक पल्स को हाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन हट के अब क्या हो जाएगा, जीरो स्टोर हो जाएगा। जो डेटा बिट हम लोग को स्टोर करना होता है उसको हम इनपुट टर्मिनल पे, डी के इनपुट टर्मिनल पे देते हैं,
और क्या करते हैं, क्लॉक पल्स, जो क्लॉक पल्स है उसको हाई करते हैं एक बार। जैसे ही क्लॉक पल्स क्या होता है, जैसे ही हाई होता है वो डेटा बिट जो इनपुट पे है वो ट्रांसमिट हो जाता है आउटपुट की तरफ और जाके इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप कुछ इस तरह से काम करता है। बेसिक मैंने बताया डी फ्लिप फ्लॉप लेके, इसी तरह से हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, एस आर फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, ओके। तो ये सारा फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका वीडियो लेक्चर यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको देख के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। या फिर डायरेक्ट भी इस लेक्चर को आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर उसमें जाऊंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, काफ़ी डिटेल हो जाएगा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा और ढेर सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पढ़ाना होगा, तो आपको भी लगेगा कितना बड़ा सिलेबस है। एक्चुअली मैंने बताया ये सिलेबस जो है 120 लेक्चर का, यानी 120 लेक्चर का है, यानी इतना बड़ा सिलेबस है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो मेन मेन पॉइंट जिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा हुआ है उसको हम लोग यहाँ कवर अप करेंगे, और जो बेसिक नॉलेज उससे रिलेटेड चाहिए, मान लीजिए डिटेल चाहिए कि नहीं सर हमको इसके बारे में डिटेल जानना है, तो उसके लिए मैंने कहा कि मैंने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ का प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें हर एक टॉपिक का डिटेल लेक्चर है। मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उसमें वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ना है, तो आप वहाँ से बेसिक नॉलेज यहाँ इसका ले सकते हैं। जो भी चीज़ छूटा हुआ है, मान लीजिए जो चीज़ मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, टाइम को रहते हुए मतलब टाइम को देखते हुए इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो सारा टॉपिक आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ओके। चलिए तो स्विफ्ट रजिस्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्विफ्ट रजिस्टर होता क्या है सिंपली, तो हमने कहा कि एक बिट डेटा को जब स्टोर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक बिट डेटा स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो अगर मान लीजिए ग्रुप ऑफ हम लोग जो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा वॉइस सिग्नल है या फिर हमारा वीडियो सिग्नल है, वीडियो मैसेज है, कोई भी किसी भी तरह का सिग्नल जब हम लोग भेजते हैं तो वो क्या एक बिट होता है, नहीं, वो क्या होता है ग्रुप ऑफ बिट होता है, ग्रुप ऑफ बिट होता है, यानी ढेर सारा बिट होता है। तो क्या हमको जब ट्रांसमिट करना हो तो एक बिट ट्रांसमिट करेंगे या एक बिट स्टोर करेंगे तो क्या ये सारा स्टोर हो जाएगा, नहीं, हमको क्या चाहिए, इन सारे को स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए। तो इसी के लिए क्या होता है, जो मेमोरी सेल बनता है उसमें बिलियंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, एक तरह से कह सकते हैं बिलियंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। यानी एक बिट स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो कितना फ्लिप फ्लॉप हमको चाहिए होगा, यानी एक फ्लिप फ्लॉप से काम चल जाएगा, नहीं, माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो होता है एक बार में कितने डेटा को प्रोसेस करता है, तो 8 बिट डेटा को प्रोसेस करता है। तो यानी इसमें क्या है, एक 8 बिट डेटा को जब ये प्रोसेस कर रहा हो तो 8 बिट डेटा को कहीं ले आकर रखेगा भी, तो जब 8 बिट डेटा को रखने के लिए स्पेस की बात करेंगे तो ये कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा 8 फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि 8 बिट डेटा है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा 8 फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे, और सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 बिट डेटा को स्टोर कर पाएंगे, यानी ये 8 बिट जो है इसमें आके स्टोर हो जाएगा। तो ऐसा अरे होता है उसके पास, एक अरे, दो अरे, तीन अरे, चार अरे, ऐसे से क्या होगा, मतलब मिलियंस ऑफ अरे हो गया। एक अरे में मान लीजिए 8 बिट डेटा स्टोर हो रहा है, तो दूसरे अरे में फिर 8 बिट, तीसरे अरे में फिर 8 बिट, इसी तरह से क्या हो गया, मिलियंस ऑफ अरे होता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, क्लियर। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हमको डेटा बिट स्टोर करना होता है तो एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होती है। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या है, शिफ्ट रजिस्टर ये है कि हम लोगों को क्या है, एक से ज़्यादा डेटा को अगर स्टोर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, यानी मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हम ग्रुप ऑफ डेटा बिट को स्टोर कर सकें। ग्रुप ऑफ डेटा बिट का मतलब क्या, 3 बिट 4 बिट 5 बिट 10 बिट, जितना बिट को हमको स्टोर करना हो हम उतने बिट डेटा को स्टोर कर सकें, तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर। यानी सिंपली आपसे पूछा जाए शिफ्ट रजिस्टर क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सिंपली क्या है, मल्टीपल ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप को लेते हैं और उसको इस तरह से अरेंज करते हैं, या तो सीरियली अरेंज करते हैं, सीरियली ज्वाइन करते हैं, या पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ओके। इसके आउटपुट को यहाँ क्या देख रहे हैं, हर एक का इनपुट, पहला इनपुट क्या है, दूसरे के आउटपुट से कनेक्ट है। देखिए इसका आउटपुट जो है इसके इनपुट से कनेक्ट है, इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्ट है, इसका आउटपुट इसके इनपुट से, ये इस तरह का कनेक्शन जो कहलाएगा वो सीरियल कनेक्शन कहलाएगा, सीरीज फॉर्म में, ओके। पैरेलल वाला क्या हो जाएगा कि हम यहीं से आउटपुट ले लेंगे, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझ लें, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें हम एक से ज़्यादा बिट को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, उस कॉम्बिनेशनल सर्किट का नाम है शिफ्ट रजिस्टर, ओके। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि ग्रुप ऑफ बिट को स्टोर करने के लिए जिस कॉम्बिनेशनल सर्किट की हमको ज़रूरत पड़ती है उस कॉम्बिनेशनल सर्किट का नाम है शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर का क्या मतलब, शिफ्ट रजिस्टर क्या काम करेगा, तो पहला काम करेगा ये क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा, किसको स्टोर करेगा, ग्रुप ऑफ बिट को स्टोर करेगा। दूसरा शिफ्ट, देखिए दो पार्ट है इसमें, शिफ्ट एंड रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, डेटा बिट को स्टोर करता है, शिफ्ट क्या करेगा, तो जब डेटा बिट स्टोर होगा तो उसको शिफ्ट करने का भी काम करेगा ये। जैसे मान लीजिए आपका 4 बिट का एक शिफ्ट रजिस्टर है, 4 बिट का एक शिफ्ट रजिस्टर है, हमने क्या किया, पहला वाले से दूसरे वाले को कनेक्ट किया, इस तरह से कनेक्शन कर दिया सब में, ओके।
हम चाहते हैं कि एक इनपुट क्लॉक, एक इनपुट डेटा बिट, इसमें हम इस तरह से इंटर कराएं 101, इस डेटा बिट को हम इंटर कराना चाहते हैं, सपोज 1010 या फिर 1011, चलिए ओके 1011 को हम इसमें इंटर कराना चाहते हैं। इस डेटा बिट 4 बिट का डेटा है, इसको हम हर एक फ्लिप फ्लॉप में क्या कर चाहते हैं कि हम चाहते हैं ये वाला 1 जो है कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ये वाला 1 कहाँ आके स्टोर हो जाए, यहाँ आके स्टोर हो जाए, ये वाला 0 कहाँ आके स्टोर हो जाए, यहाँ आ जाए, और ये वाला 1 कहाँ आ जाए, इसमें आ जाए। हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जब पहला क्लॉक पल्स देंगे, यानी क्या करेंगे हम लोग, सिंपली देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सब में एक एक क्लॉक पल्स लगा हुआ है, ठीक है, सब में क्लॉक इनपुट लगा हुआ है। इसका काम क्या है कि जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगा तो डेटा का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, यानी जो डेटा इनपुट में है वो शिफ्ट करके कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा। तो देखिए ये है क्लॉक टर्मिनल, ओके ये इनपुट टर्मिनल हो गया। तो हम पहले यहाँ क्या देना है, 1011, तो पहले कौन जाएगा, सबसे पहला बिट कौन होगा जो इसमें इंटर करेगा, तो सबसे पहले ये जो 1 है LSB ये इसमें जाएगा। तो ये इसमें जाएगा जैसे ही, तो ये कहाँ आके स्टोर होगा, आउटपुट पे, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जब पहला क्लॉक पल्स आप देंगे, फर्स्ट क्लॉक पल्स, तो ये वाला जो बिट है वो कहाँ आ जाएगा आपको, Q0, मान लीजिए इसका नाम Q0 है, तो Q0 में जाके स्टोर हो जाएगा। ये क्या है, Q1 है, ये क्या है, Q2 है, ये क्या है, Q3 है, मैंने आउटपुट टर्मिनल का नाम दे दिया। तो अब आपका नेक्स्ट वाला जो 1 बिट है, यानी अब क्या है, ये LSB कहाँ जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इसको यहाँ आना चाहिए, ठीक है, तब ना ये वाला जगह खाली होगा, ये वाला जो आउटपुट है इसमें दूसरा वाला 1 कब जाएगा, जब ये वाला यहाँ आ जाए, मतलब पहले वाला बिट जो है वो आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो दूसरा वाला बिट इसके अंदर आ जाएगा, आएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बिट को यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ये वाला बिट शिफ्ट कब होगा, जब हम अगला इनपुट को यहाँ पे 1 रखेंगे। देखिए पहला इनपुट 1 था, दूसरा इनपुट भी 1 है, तो दूसरा इनपुट जब यहाँ 1 आएगा और सेकेंड क्लॉक पल्स जब हम लोग अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, ये वाला 1 यहाँ आएगा, यानी सेकेंड वाला 1 क्या आएगा, यहाँ आएगा, और ये वाला फर्स्ट वाला 1 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी Q1 आपका क्या हो जाएगा, यानी Q1 1 हो जाएगा और आपका Q0 भी 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगला तीसरा जब क्लॉक पल्स देंगे, तीसरा क्लॉक पल्स देंगे, तब क्या होगा, ये 0 जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, और आपका क्लॉक पल्स जैसे ही हाई होगा तो क्या होगा, ये वाला जो 1 था, यानी Q1 का जो 1 था, वो उठ के जाएगा Q2 में, Q1 का 1 कहाँ जाएगा, Q2 में, और Q0 का 1 कहाँ जाएगा, Q1 में, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब 0 आएगा, जो किसमें स्टोर हो जाएगा, जाके Q0 में। तो अब डेटा बिट बदल जाएगा, अब क्या क्या हो जाएगा, Q2 में क्या आ जाएगा, Q2 में Q1 का 1 आ जाएगा, Q1 में किसका 1 आएगा, ये आएगा Q0 का, और Q0 में क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, फिर अगला क्लॉक पल्स दोबारा, चौथा जब क्लॉक पल्स देंगे, अभी कितना दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 बिट डेटा अंदर चला गया, इसमें 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 स्टोर हो गया। अब ये तो खाली है ना, अब चौथा क्लॉक पल्स के लिए क्या है, मतलब चौथा बिट को अगर अंदर करना है, यानी सिर्फ रजिस्टर के अंदर हम लोगों को स्टोर करना है, तो क्या करेंगे, चौथा क्लॉक पल्स देंगे। जब चौथा क्लॉक पल्स हाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला बिट अंदर जाएगा, ये बिट अंदर जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, Q0 के अंदर क्या आ जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, Q0 के अंदर 1 हो जाएगा, Q0 में Q1 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, Q2 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और Q3 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 1 अगला वाला 1 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से शिफ्टिंग होता रहेगा, ये कहलाता है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। इस रजिस्टर का नाम क्या है, डेटा सीरियली इन कर रहा है, सीरियल इन, और डेटा सीरियली बाहर भी निकल रहा है, सीरियल आउट। तो इस रजिस्टर का नाम है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ओके। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको बेसिक बता दिया, अब इसी को एक्सप्लेनेशन पिक्चर के थ्रू आगे किया हुआ है, सब कुछ आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने आगे ड्रा करके रखा हुआ है। चलिए उधर चलते हैं और बारी बारी से देखते हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया क्या वही चीज़ वहाँ है या दूसरा कुछ है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में बात कर लें, जो मैंने बताया सारा कुछ वही है कि ना। पहला बात क्या है कि फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करें, तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, 1 बिट मेमोरी सेल होता है, यानी एक फ्लिप फ्लॉप में कितना डेटा स्टोर होगा, 1 बिट डेटा स्टोर होगा। अगर मान लीजिए हमको n बिट डेटा स्टोर करना होगा तो कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा, n फ्लिप फ्लॉप, यानी मान लीजिए एक फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट स्टोर हो रहा है, तो हमको 10 बिट स्टोर करना है तो कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा, 10। तो वैसे ही कह रहा है, अगर n बिट स्टोर करना है तो कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा, n फ्लिप फ्लॉप। तो क्या हो गया, ये तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में हो गया, हमको रजिस्टर के बारे में बात करना। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ बाइनरी स्टोरेज सेल। मतलब रजिस्टर क्या होता है कि हम किसी भी बाइनरी नंबर को, अगर ढेर सारा बाइनरी नंबर को एक साथ स्टोर करना चाहें, एक साथ किसी मेमोरी स्पेस में स्टोर करना चाहें, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिएगा। और ये ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जिसमें हम ग्रुप ऑफ डेटा बिट को स्टोर कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट को कहते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है, सिंपली ग्रुप ऑफ बाइनरी स्टोरेज सेल।
यानी अगर हमको एक से ज़्यादा डेटा बिट को स्टोर करके रखना होता है किसी सेल में, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप को एक साथ कनेक्ट करेंगे और जितना डेटा बिट को हमको स्टोर करना है उतना फ्लिप फ्लॉप को हम एक साथ अरेंज करेंगे और उतने डेटा बिट को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाएगा रजिस्टर। ओके, आगे चलते हैं। रजिस्टर कितने तरह का होता है, तो चार तरह का होता है। और रजिस्टर में हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप स्टोर करते हैं, तो डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं मेनली। यानी कोई भी रजिस्टर बनाए, चाहे चारों में से कोई वाला भी रजिस्टर बनाएंगे हम लोग, सब में कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा, डी। डी एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसका प्रॉपर्टीज ये है कि जो भी इनपुट में, अगर आप जो भी इसके इनपुट टर्मिनल पे जो भी डेटा बिट अप्लाई करेंगे, चाहे वन चाहे जीरो कुछ भी अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगा, जैसे ही क्लॉक पल्स इसमें हाई होगा, ये इस डेटा बिट को क्या करेगा, आउटपुट में ले आकर स्टोर कर देगा। अगर वन किया है तो वन स्टोर कर देगा, जीरो किया है तो जीरो स्टोर कर देगा। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप का प्रॉपर्टीज़ है। ये किस फ्लिप फ्लॉप का प्रॉपर्टीज़ है, डी का। और इसी प्रॉपर्टीज के कारण हम रजिस्टर में डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन स्टोरेज रजिस्टर वी मोस्टली यूज डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो बाकी कोई फ्लिप फ्लॉप क्यों नहीं कहते हैं, सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। टी फ्लिप फ्लॉप का अलग प्रॉपर्टीज़ है, जेके का अलग है, एसआर का अलग है। डी का जो प्रॉपर्टीज़ है कि स्टोरिंग वाला, यानी जो भी इनपुट पर डेटा अप्लाई किया जाएगा वो क्या करेगा, आउटपुट में ले आकर सेम डेटा स्टोर कर देगा। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट लैच भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम एक है ट्रांसपेरेंट लैच। ट्रांसपेरेंट लैच का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ जो इनपुट अप्लाई है वही आउटपुट में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ आपने इवन दिया तो यहाँ आउटपुट में वन आ गया, अगर आपने यहाँ जीरो दिया तो आउटपुट में क्या आया, जीरो हो गया। कब, एक क्लॉक पल्स के बाद। यानी आप एक क्लॉक पल्स अप्लाई किए, जो इनपुट में वही आउटपुट में आ गया। तो देखिए अगर इनपुट और आउटपुट में, मतलब बीच में आईना रख दीजिए, आईना रख दीजिए, तो यहाँ पे जो है वही अगर इधर दिखाई दे रहा है तो मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट है ये। ट्रांसपेरेंट मतलब एक दूसरे का क्या, इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ जो है वही यहाँ आ रहा है। तो इसीलिए इसका नाम ट्रांसपेरेंट लैच भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जा सकता है कि फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट लैच कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डी फ्लिप फ्लॉप का ही दूसरा नाम है ट्रांसपेरेंट लैच। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है कि जो भी इनपुट पे अप्लाई करेंगे डेटा उसको क्या करेगा, ये आउटपुट पे शिफ्ट कर देगा। कब, एक क्लॉक पल्स अप्लाई होने के बाद। तो चलिए सबसे पहला हम बात करें तो वो क्या है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। दूसरा क्या है, सीरियल इन पैरेलल आउट। तीसरा पैरेलल इन सीरियल आउट। और चौथा पैरेलल इन पैरेलल आउट, इसको शॉर्टकट में कहते हैं सीसो, सीपो, पीसो, पीपो, इस तरह से नाम है इसका। कभी कभी आपको डायरेक्ट ये लिखा हुआ मिलेगा SISO, तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, इसका सीरियल इन पैरेलल आउट, इसका पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी शॉर्टकट में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ड्रा द 4-bit सीपो रजिस्टर SIPO, तो आपको पता होना चाहिए 4-bit सीपो का मतलब सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर ड्रा करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे। उसके बाद हम लोग एक मतलब जो बात करेंगे टाइप्स के बारे में, रजिस्टर के टाइप्स के बारे में, पहले इसको देखने के बाद। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या है, इसी रजिस्टर को इस फॉर्म में ड्रा किया गया कि जैसे ये क्या है, 4-bit फ्लिप फ्लॉप है। सिंपली क्या है, 1-bit इसमें स्टोर है, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, तो चार फ्लिप फ्लॉप को एक साथ अरेंज कर दिया गया और एक सेल बना दिया। क्या हो गया, ये 4-bit का एक रजिस्टर हो गया जिसमें चार फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। तो अब इसमें डेटा कैसे इंटर होगा और कैसे आउटपुट निकलेगा, यानी कैसे आप इनपुट लेंगे और कैसे आउटपुट लेंगे डेटा का, उसके हिसाब से इस रजिस्टर का नाम होता है। तो देखिए पहला क्या है, डेटा आपका ऐसे इन कर रहा है, पहले इसमें इन किया, फिर इससे इसमें गया, सेकंड में गया, फिर थर्ड में गया, फिर फोर में गया, और फोर से होकर बाहर निकल गया। यहाँ बाहर निकल गया डेटा आउट, यहाँ क्या था, डेटा इन था। तो यानी क्या हो रहा, लेफ्ट से इंटर किया और राइट में बाहर हो गया। और कैसे इंटर किया, सीरियली इंटर किया, यानी इधर ही से सारा का सारा यहीं से इंटर किया। तो वन के एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे मान लिया आपको ये इंटर करना था तो पहले ये इंटर करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इंटर किया फिर डायरेक्ट ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सीरियली इन कर रहा है। तो डेटा सीरियली इन कर रहा है और साथ में सीरियली आउट भी कर रहा है, या पहले ये बाहर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट सीरियल, मतलब जिसमें डेटा सीरियली इन हो और सीरियली आउट हो, इस तरह का अरेंजमेंट को कहते हैं सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। इसका नाम है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, जिसको कहते हैं सीसो। क्लियर, आगे चले। तो देखिए अब अगला, इसमें क्या हो रहा है, ये भी वही चीज़ है इसी की तरह, लेकिन उल्टा है। इसमें क्या है, लेफ्ट से डेटा इन कर रहा था, राइट से निकल रहा था। इसमें क्या है, राइट से डेटा इन कर रहा है और लेफ्ट की तरफ निकल रहा है। ओके, हो रहा है ना, डेटा इन किया, सीरियली डेटा इन कर रहा है, सीरियली निकल रहा है बाहर। तो इसका भी नाम क्या है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है, डेटा इन जो है, यहाँ देखिए डेटा इन कैसे हो रहा है, इसमें डायरेक्ट ऊपर से इन हो रहा है, अलग अलग सब डेटा कैसे इन हो रहा है, पैरेलली इन हो रहा है। यानी एक बार आप क्लॉक पल्स दीजिएगा, सब डेटा आपको एक साथ इंटर कर जाएगा, इसका डेटा इसमें, इसका डेटा में, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है, किसी एक दूसरे से क्या है, लिंक नहीं है, सब पैरेलल में अप्लाई हो रहा है। पैरेलल में अप्लाई हो रहा है मतलब डायरेक्ट इंटर कर जाएगा। और आपको डेटा निकल कैसे रहा है, तो डेटा निकल रहा है सीरियली, यानी पहले क्या निकल रहा है आपका, पहले पहले वाला डेटा निकल रहा है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। देखिए डेटा पैरेलली निकल रहा है कि सीरियली निकल रहा है, देखिए पहले ये निकला,
यानी इसमें जो स्टोर होगा पहले वो निकलेगा, फिर इसके अंदर जो स्टोर होगा फिर निकलेगा, फिर इसके अंदर जो होगा उसके बाद निकलेगा, फिर इसके अंदर जो स्टोर होगा उसके बाद निकलेगा। तो डेटा बाहर कैसे आ रहा है? डेटा बाहर आ रहा है सीरियली, ये बाहर आ रहा है, ओके, लेकिन इंटर कैसे कर रहा है? पैरेलली इंटर कर रहा है। तो इसका नाम हो गया पैरेलल इन, पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ओके। उसी के बेसिस पे इसी तरह से नाम दिया गया। यहाँ देखिए डेटा सीरियली इन कर रहा है, सीरियल इन कर रहा है ना, और पैरेलली बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर नहीं आ रहा बल्कि पैरेलली बाहर आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सीरियल इन पैरेलल आउट, ओके। बस देखेंगे डेटा कैसे इन कर रहा है और कैसे आउट आ रहा है। जैसे इन कर रहा है उसके हिसाब से उसका नाम देंगे, और जैसे आउट कर रहा है उसके बेसिस पे उस रजिस्टर का नाम क्लासिफाई किया जाएगा। तो यहाँ देखिए लास्ट वाला, इसमें क्या है? डेटा पैरेलली इन कर रहा है, डेटा इन हो रहा है, पैरेलल इन कर रहा है, और पैरेलली आउट भी हो रहा है, हो रहा है। तो पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो इसको नाम है पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, क्लियर। तो ये चारों तरह का शिफ्ट रजिस्टर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये छोटा सा ब्लॉक के फॉर्म में दिखाया हुआ है। आगे जाके हम लोग रजिस्टर के फॉर्म में देखेंगे और उसके बाद उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए चलिए ये बात करते हैं। देखिए ये वाला क्या है, ये और ये, इसमें क्या है? रोटेशन को इंडिकेट किया जा रहा है कि डेटा जो है सीरियली इन कर रहा है। इन करने के बाद क्या हो रहा है? ये डेटा कहाँ आ रहा है? इसका डेटा निकल के इधर आ रहा है, इसका डेटा क्या निकल के इधर आ रहा है, इसका डेटा निकल के क्या आ रहा है? इधर आ रहा है। यानी हर एक डेटा क्या आ रहा है? एक राइट शिफ्ट कर रहा है, राइट शिफ्ट कर रहा है ना। ये डेटा कहाँ निकल के जाएगा? ये डेटा निकल के यहाँ आ जाएगा पीछे में, क्योंकि सब डेटा शिफ्ट कर रहा है। ये वाला यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये वाला यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये वाला यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये कहाँ जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो इस तरह क्या हो गया? रोटेट राइट हो रहा है, यानी राइट मूवमेंट हो रहा है। ये वाला इधर मूव हो रहा है, ये वाला इधर, सब राइट मूव कर रहा है, तो इसको कहते हैं रोटेट राइट। इसमें देखिए उसी तरह से क्या है कि सब डेटा क्या हो रहा है? लेफ्ट मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये यहाँ मूव कर रहा है, ये यहाँ मूव कर रहा है, ये यहाँ मूव कर रहा है। और ये बाहर वाला, ये वाला कहाँ निकल के चला जा रहा? पीछे। यानी चौथा वाला जो डेटा है वो निकल के कहाँ चला जा रहा? पीछे चला जा रहा है, बैक में। तो ये क्या हो रहा है? लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट कैसे हो रहा है? ऐसे। और इसमें डेटा का मूवमेंट कैसे हो रहा है? ऐसे। तो रोटेशन इसमें क्या हो रहा है? रोटेट राइट। इसमें कैसे हो रहा है? रोटेट लेफ्ट, क्लियर। तो यही सारा पॉइंट्स यहाँ पे पिक्चर में बना के दिखाया हुआ था एक साथ, तो मैंने सोचा आपको इससे समझा दूंगा, तो आसानी से पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं सोचता हूँ इसी लेक्चर में आपको कंप्लीट पूरा एक साथ ही शिफ्ट रजिस्टर को कंप्लीट कर दूँ, लेकिन अलग अलग करूँगा तो ज़्यादा अच्छा। चलिए देखता हूँ टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो आगे क्या देखना है हम लोगों को? ये मैंने देखा कि कितने तरह का शिफ्ट रजिस्टर होता है, चार तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला बात किया सीरियल इन सीरियल आउट, फिर सीरियल इन पैरेलल आउट, फिर पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो पहला शिफ्ट रजिस्टर हमको यहाँ पे पढ़ लेना है, सीरियल इन सीरियल आउट। तो उसमें क्या देखा था कि डेटा सीरियली इन करेगा। तो देखिए ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ये पहला डी फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, इसका नाम ए है, फ्लिप फ्लॉप का नाम दे दिया, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप एफ एफ से फ्लिप फ्लॉप, और ए का मतलब पहला, फ्लिप फ्लॉप बी, फ्लिप फ्लॉप सी, फ्लिप फ्लॉप डी, ओके। क्लॉक पल्स जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था इस तरह से करके ऐसे सबका, ये यहाँ पे दिखाया हुआ, सब यहाँ देखिए, ये क्लॉक पल्स है सबका एक साथ। तो क्लॉक पल्स आप यहाँ दिखाएं चाहे यहाँ दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं, सबको एक साथ कनेक्ट किया हुआ है। देखिए सारा क्लॉक पल्स एक साथ कनेक्टेड है, सारा आके हो गया। अब देखिए ये सब कुछ दिखाई दे, अब देखिए डेटा कैसे इसमें इन कर रहा है, डेटा इन कैसे कर रहा है और डेटा आउट कैसे कर रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही आएगा कैसे ड्रा करना है। तो सबसे पहले बोला जाएगा ड्रा द 4-bit सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो आपको क्या करना है? चार फ्लिप फ्लॉप ड्रा करना है, सिंपली सीरियल इन कराना है, मतलब डेटा यहाँ से इन करेगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। देखिए सब एक दूसरे से कनेक्ट है, पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट से, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट से, तीसरे का आउटपुट चौथे के इनपुट से कनेक्ट है, और चौथे का आउटपुट क्या है? बाहर निकल रहा है। तो ये इस तरह से कनेक्शन जब करेंगे तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाएगा सीरियल इन सीरियल आउट। क्यों? क्योंकि देखिए डेटा यहाँ से इन करेगा, जैसे हमको ये डेटा इंटर कराना है, ओके, तो ये डेटा इंटर कराना है तो क्या होगा? सबसे पहले क्या है इसमें? 1010, या फिर यहाँ से चलें इस तरह से 0101, तो 0101 इस डेटा को इंटर कराना है, 4-bit का डेटा है, और इसको हम क्या करना है? शिफ्ट रजिस्टर में इंटर कराना चाह रहे हैं अंदर। तो कैसे अंदर कैसे हो जाएगा ये? तो देखिए ये कैसे जाएगा, बारी बारी से हम लोग देख लें यहाँ पे। तो सिंपली सबसे पहले कौन सा डेटा जाएगा? अगर मान लीजिए आपको इंटर कराना है ये वाला डेटा 0101, देखिए ये यही डेटा इंटर कराना है। आप चाहते हैं कि ये वाला जीरो क्या हो, आपके पास डेटा क्या है 0101, आप चाहते हैं ये वाला जो डेटा है वो कहाँ आ जाए? यहाँ पे आ जाए, इसके पास। ये वाला डेटा कहाँ आ जाए? तो ये वाला डेटा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये वाला डेटा कहाँ आ जाए? तो ये डेटा यहाँ आएगा। और ये वाला, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटर चाहते हो, तो कहाँ से इंटर कराएंगे? सारे को यहीं पे से इंटर कराना है, 0101 को यहीं से इंटर कराना है, इसी सीरियल पोर्ट से इंटर कराना है। तो पहले कौन इंटर करेगा? पहले ये वाला इंटर करेगा, फर्स्ट वाला करेगा ना। तो पहले इंटर करेगा, तो जब एक क्लॉक, पहला क्लॉक पल्स देंगे तो ये वाला वन इंटर करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा ना। और बाकी सब क्या रहेगा? बाकी सब जीरो रहेगा, ठीक है। इरेज करके दिखाते हैं इसको क्लियरली।
आपसे पूछा जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए ये जो टेबल बना हुआ है बगल में जिसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रैवल, यही आपको टेबल ड्रा करना है शिफ्ट रजिस्टर का साथ में। पहले ये बनाना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट, और उसके बाद ये वाला टेबल ड्रा करना है। ओके, तो देखिए इसमें कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये वन जो है यहाँ पे, जब पहला वन आएगा तो ये कहाँ जाएगा, जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगा तो ये वाला वन कहाँ आ जाएगा, इसके आउटपुट पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, बाकी सब क्या रहेगा, बाकी सब जीरो रहेगा, बाकी सब कुछ है ही नहीं अभी। फिर दूसरा क्लॉक पल्स जब आएगा तब क्या होगा, ये वाला जीरो जो है इसमें इन करेगा, उस टाइम में ये वाला वन कहाँ जाएगा, ये वाला वन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पर जीरो आ जाएगा। बाकी सब क्या है, बाकी सब में अभी कोई डेटा नहीं आया तो ये सब जीरो ही रहेगा। जब तीसरा क्लॉक पल्स अप्लाई होगा तब क्या होगा, ये वाला वन शिफ्ट आगे कर जाएगा यानी यहाँ आ जाएगा, ये वाला जीरो कहाँ हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा यानी यहाँ आ जाएगा, अगला डेटा बिट वन जो है, ये वाला तीसरा वाला जो डेटा बिट है वो वन कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, आ गया। अब जब चौथा क्लॉक पल्स अप्लाई होगा तब क्या होगा, आपका पहले वाला जो ये वन था वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ आगे वाले में, ये तो पहले जीरो था अब यहाँ शिफ्ट कर जाएगा ये, तो यानी ये वाला यहाँ आ जाएगा। ओके, ये वाले में क्या आ जाएगा, ये वाले में ये वाला शिफ्ट हो गया, जीरो आ जाएगा शिफ्ट हो गया। इसमें क्या आएगा, इसमें ये वाला वन आ जाएगा शिफ्ट हो गया, और इसमें क्या आएगा, इसमें जीरो आ जाएगा शिफ्ट हो गया। तो आपका आउटपुट क्या स्टोर है, 0101 स्टोर हो जाएगा। देखिए यही चीज़ स्टोर है यहाँ पे, 0101 है स्टोर हो गया। हमको यही इंटर कराना था, कितना क्लॉक पल्स लगा इसमें इंटर कराने में, 4, और बाहर आने में कितना क्लॉक पल्स लगा, तो बाहर आने में कितना लगा, देखिए ये तो पहले से ऑलरेडी बाहर है, हमको आउटपुट यहीं पर चाहिए ना, हमको सारा आउटपुट इसी टर्मिनल पर चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए, सारा आउटपुट यहीं पर चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी एक बाहर हो गया, अब ये 3 को बाहर निकालना है, 1 2 3, जो अब 3 को जब हम लोग को बाहर निकालना है तो 3 और क्लॉक पल्स देना पड़ेगा, तभी ना ये तीनों शिफ्ट होकर इधर आएगा, बाहर आएगा, शिफ्ट होकर बाहर आएगा। तो 3 क्लॉक पल्स चाहिए किसके लिए, आउट करने के लिए, डेटा को बाहर निकालने के लिए, और 4 क्लॉक पल्स किसके लिए चाहिए था, डेटा को इन कराने के लिए। तो हम लोग 4 क्लॉक पल्स दिया तो 4 बिट का डेटा इसके अंदर चला गया, स्टोर हो गया। अब फिर 3 क्लॉक पल्स देंगे तो ये जो डेटा है सब बाहर आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए यही चीज़ यहाँ टेबल में भी बना हुआ है, टेबल में भी यही चीज़ ड्रा किया हुआ है। सबसे पहला काम, हमको ये डेटा बिट, यही इनपुट है जिसको इंटर कराना है। तो पहली बार में जब क्लॉक पल्स हाई हुआ तो ये जीरो कहाँ इंटर करेगा, पहला वाले फ्लिप फ्लॉप में। तो यही हुआ, देखिए ये पहला वाले फ्लिप फ्लॉप में जीरो इंटर कर गया, बाकी सब में क्या रहेगा, बाकी सब में तो ऑलरेडी जीरो रहेगा, कुछ है ही नहीं। दूसरी बार जब क्लॉक पल्स इंटर हुआ तो ये जीरो कहाँ चला जाएगा, सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा, चला गया, बाकी सब क्या है अपना, जीरो रहेगा। ये पहला वाले फ्लिप फ्लॉप में क्या आएगा, वन इंटर करेगा, क्योंकि ये वाला इधर शिफ्ट कर गया, यानी आप देखा ये वाला जीरो यहाँ आ गया तो इसमें क्या आ गया, अगला बिट इंटर किया, अगला बिट क्या है, वन, तो वन आ गया इसमें, ठीक है। ठीक उसी तरह से तीसरा बार जब क्लॉक पल्स हुआ तो ये जीरो कहाँ जाएगा, अगला यानी तीसरा फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा, और ये वाला कहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जीरो कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब पहले वाला जो सबसे लास्ट वाला है वो तो ब्लैंक रहेगा, उसमें कुछ गया ही नहीं। अगला जब क्लॉक पल्स देंगे तो ये वन क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, बाकी सब शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, ये वाला जीरो यहाँ, ये वाला जीरो यहाँ, ये वाला ये जीरो यहाँ। ये क्या हो रहा है, रोटेट राइट हो रहा है, एक तरह से रोटेट राइट हो रहा है। तो इस तरह का शिफ्ट रजिस्टर जो कहलाएगा, सिंपली सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर कहलाएगा, जिसमें रोटेशन किस बेसिस पे हो रहा है, राइट मूव कर रहा है, सारा डेटा क्या हो रहा है, एक बिट राइट शिफ्ट कर रहा है। ओके, क्लियरली आपको आई होप ये वाला सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर समझ में आ गया हो, और एकदम बहुत सिंपल सा है। सिंपली क्या है, जो डेटा बिट को हमको स्टोर करना होता है वो हम इसके इनपुट टर्मिनल पर रख दे रहे हैं और क्लॉक पल्स को हाई कर दे रहे हैं। जैसे ही पहला क्लॉक पल्स आता है तो एक डेटा बिट क्या होता है, उसके LSB में इंटर कर जाता है। फिर जैसे ही दूसरा क्लॉक पल्स आता है तो पहला वाला डेटा आगे वाले शिफ्ट रजिस्टर में चला जाता है, और दूसरा वाला डेटा क्या होता है, पहले वाले शिफ्ट रजिस्टर में आ जाता है, सो ऑन चलता रहता है। ओके, तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, एग्जाम में आएगा आपको ये दोनों ड्रा करना होगा, ये भी और ये भी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ओके, 3 जो बच गया हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।